गोरखपुर में आला साहब के लोगों के महल्ले से गुजरा, वहां पर थोड़ा बहस हो गई, तो जब मार के पूछा तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा साहिल। अरे मार मुसलमान, मार मार मार। साहिल जख्मी हालत में दौड़ा दौड़ा अपने अम्मा के घर को, और अम्मा के गोद में जाकर लेट कर कहा कि अम्मा ये हुआ, और जैसा मैंने साहिल कहा मुझे मुसलमान समझा, और अम्मा के गोद में दम तोड़। नाम पे नफरत हो गई मेरे भाई, इस मुल्क में गांधी का मुल्क, अंबेडकर का मुल्क, अबुल कलाम आजाद का मुल्क, अल्लामा फजल कारावादी का मुल्क। बताओ आप, इसके बावजूद भी आप बोलेंगे नहीं नहीं अभी भी यहां वो है ना पुरानी पार्टी। पुरानी पार्टी कुछ नहीं कर रही। आप बताओ, आप ये साहिल के बारे में क्या बोलेंगे आप? मेरे भी दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखो इंटरनेट पे जाके इंडिया टुडे की वेबसाइट पे न्यूज है, वो भी लिख के ला रहा, नहीं तो बोलिए कहां से लाए, तो अब तुम खुद बना दिए। ये बीजेपी वाले बोलेंगे तुम चले जाओ पाकिस्तान, इनको कुछ बोले कि तुम चले जाओ पाकिस्तान। अरे हम नहीं सोचते पाकिस्तान के बारे में, बीजेपी वाले सोचते। मैंने इसको पाकिस्तान भी जाकर मैं बहुत बोल रहा है मिस्टर, हम तो जिना को टाटा बोले भाग बोले हम यहां रुके। हमारे पास तो चॉइस था, हमारे पास चॉइस था, हमने कहा नहीं, ये बंदा नाराज देश उदराज की सरजमीन पे छोड़ के नहीं लाएंगे। हमने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई, माल्टा की जेल में सब कुछ कुर्बान किया, उनकी कुर्बानी तो राजा जाने नहीं देंगे। हमने मौलाना आजाद के उस तकरीर के जुमलों को यकीन किया, और आज भी करते हैं। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर मौलाना आजाद ने कहा था कि मैं तुमसे कह रहा हूं तुम हिजरत के मुकद्दस धाम पर फरार की जिंदगी गुजार। हम यकीन के आज भी कर रहे हैं। सुनो, हमको पाकिस्तान जाने वालों, जाने के लिए बोलने वालों, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, भारत के हैं, भारत में ही रहेंगे इंशाअल्लाह होता। यही पैदा हुए, यही जिएंगे, यही शादी करेंगे और खूब पैदा करेंगे। मैं खूब बोला, ज्यादा नहीं बोला। उर्दू में खूब और ज्यादा में फर्क है। खूब और ज्यादा में बहुत फर्क है। मीडिया वाले जरा उर्दू का नहीं है तो नोटिस करना है, तो फिर कल शुरू हो जाएंगे। सुबह 11 बजे मीडिया में हमारे घर में आप बोले ना आधा बोल दो, कोई भी बोला बच्चे नहीं है। मैं बोला खूब पैदा करे, ज्यादा नहीं बोला। तो खूब का मतलब यह है कि खूबसूरत बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे, हाफिज कुरान बनाएंगे, साइंटिस्ट बनाएंगे, वकील बनाएंगे, खूब ज्यादा नहीं। अब इसको तोड़ मोड़ के फेस नहीं करना कला, अपनी दुकान चलाने के लिए हमको तकलीफ नहीं पहुंचाना, नहीं तो वही किस्सा हो जाएगा, मामू की दुकान पे नाना की फातिहा होगी। तो हम रहेंगे, यही पैदा हुए, यही रहेंगे इंशाअल्लाह, और मर्द मुजाहिद की तरह अपना सीना तान कर हिंदुस्तान की सालियत की हिफाजत करते और करते रहेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे, भारत हमारा देश है और रहेगा इंशाअल्लाह। हमको पाकिस्तान से क्या मतलब, हमको ये सऊदी अरब से क्या मतलब, हमको सऊदी अरब से मतलब नहीं है, हमको मदीने मक्का से मतलब। करकरे को बद्दुआ दी इसलिए मर गया हो, मगर हम गुनाहगार। तुम जाओ ना पाकिस्तान, पार्लियामेंट में खड़े हो सकते, वोट देने जा रहा हूं पार्लियामेंट में, हम लेने जा रहा हूं, तो इम्तियाज जलील हो उसमें क्या है? इम्तियाज जलील बोले असद भाई बड़ा माहौल ठंडा है, नहीं अभी देखो, अभी
मेरा अभी दूल्हे भाई उतरी में मैदान में आ गया, बोले क्या होने वाला अलग तेरा, बोले क्या करूं मेरा बैठो अभी दोनों को टाइम आ रहा नहीं नहीं थे बेचारे मेरा बैठो इतिहास जमीन बैठो भी आप देखो तमाशा जैसा नाम पुकारे असदुद्दीन ओवैसी अब वहां से इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। ये आना देखो इन्हें कैसा दूल्हे की बहुत कैसा नाच चलोगा तलवार देखे दूल्हा तो कैसा करते महिला हाँ शुरू होगा शुरू चमड़ी मोटी हो गई अब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ओट ले लिया मैं उसके बाद मैं भी भरा अपन भी बड़ा खाते तो आज ही खाया माशाल्लाह हमारे रहीम खान खिलाए दबा के आ गए पहले पूरन पूरी खाया तो मैं भी क्या किया ठीक है पैसा बताएंगे ओट लिया उसके बाद मैं पुकार के बोला जय भीम आधा सन्नाटा हो गया। उसके बाद मैंने कहा जय भीम बोले ये क्या बोल रहे मेरा आरोप है क्या है तकबीर अल्लाह तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर की आवाज दूंगी। उसके बाद ये तू बोले ये तुम क्या करे मेरा तुम जिद्दा करेंगे मैं उत्ता बोलता हूँ क्या बोलेंगे अल्लाह अकबर कोई नहीं भाई तो खामोश हो इनकी ऐसे ही मुकाबला करना कांग्रेसों की तरह नहीं तो बैठा ने सवाल हारवा लेके तमीज मानने के लिए हाँ होता अब 4G 5G का जमाना है ये हिम्मत से काम करो डरने की जरूरत नहीं बीजेपी डराना चाहती आर एस एस डराना चाहती हिंदुस्तान हमारा है और हमारा रहेगा इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर दूसरे दर्जे के शहरी नहीं बन के रहेंगे और प्राइम मिनिस्टर तो उनके आया था भूल जा रहा मोदी को प्राइम मिनिस्टर लाल किले से बोले भाइयों बहनों देश में पॉपुलेशन बहुत हो रहा उन्होंने बोले मैंने बोला देखो मैं क्या बोला हूं प्राइम मिनिस्टर बोले पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मेरे भाई आपको मालूम कि हमारे वतन में भारत में एक स्टडी हुई जिसमें 22% आला जात के लोग हैं 22% आला जात के लोग हैं और आपको मालूम मेरे भाई उन 22% आला जात के लोगों के पास कितनी दौलत है। एक स्टडी हुई थी वेल्थ ओनरशिप एंड इनइक्वालिटी इन इंडिया अ सोशल रिलीजियस एनालिसिस इसमें ये मालूम हुआ कि हमारे हाई कास्ट के लोगों के पास पॉपुलेशन 22.28 है और उनके पास वेल्थ है 41% मोदी जी इस पर बात नहीं करते क्यों नहीं करते क्योंकि ये लोग दौलतमंद है और क्या बोलते नहीं ये तुम मुसलमान ये कुत्ते पैदा कर रहे हैं इससे हुर्मत अरे नहीं रे भाई इससे ताल्लुक नहीं है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहिब ने कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाया और क्या कहा हमने कहा कहा कॉन्स्टिट्यूशन में कि तमाम को दौलत बराबर दी जाएगी दे रहे आप ये स्टडी तो कोई आती मीडिया वाले बोलेंगे कहां से लाए तू ये पप्पा से नहीं लाए स्टडी है ये और फिर इंदिरा गांधी संजय गांधी ये कांग्रेस पार्टी वाले इनसे पूछे जाके जबरी नसबंदी नहीं किया था संजय गांधी क्या पॉपुलेशन रुक गया नहीं रुका। अच्छा ये बीजेपी आरएसएस बोलती मुसलमान वोट पैदा कर रहे इनकी आबादी हिंदुओं के बराबर नहीं होगी। एक स्टडी हुई जिसमें कहा गया कि मुसलमानों की आबादी गिर रही है एक स्टेबलाइज हो जाएगी 2030 तक
और जब गिरावट आएगी फर्टिलिटी में, डिकेडल ग्रोथ में, तो कम से कम 100-150 साल लगेंगे। अगर वही हमारा प्रोडक्शन रेट रहा तो हमारे हिंदू भाइयों के बराबर पॉपुलेशन होने के। ये नहीं बोलते आप, क्योंकि वो समझ रहे कि ये तमाम जितने इनके सामने कांग्रेस के मुसलमान है उनको नहीं पढ़ते ना वो लोग। हम थोड़ा पढ़ लेते, जिसम के शेरवानी है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे चोटी है, तो बाबू थम्स अप नहीं समझना, तुम्हारा बापू है। दुनिया में कोई मुल्क नहीं हिंदुस्तान के साथ जहां पर इस मुल्क की 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की। तो इसको अंग्रेजी में बोलते डेमोग्राफिक डिविडेंड। मोदी जी इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। किसी दुनिया में ये नहीं है मेरे भाई कि 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की है। अगर इनको हम नौकरी देंगे, इनको काम देंगे, इनको पढ़ाएंगे, तो यकीन इंशाअल्लाह ताला हमारा भारत चीन से ताकतवर हो जाएगा। मगर आप करते नहीं है, आप काली मार लिंचिंग, आप काली ये कब्रिस्तान, पाकिस्तान, रमजान, दिवाली, कहां है बताओ? चीन में। अब चीन की सोच रहा क्या गलती की, बच्चों की पॉलिसी कर। मेरे भाई जबरन कोई काम करेंगे तो नहीं होगा। अच्छा फिर अब हमारे मीडिया वाले भाई इंतजार में है कि मोदी जी अमेरिका गए थे, अमेरिका में क्या करें। और फिर बीजेपी बोल रही कि हम एनआरसी लाएंगे। डरना ने एनआरसी से इंशाअल्लाह होता, डरना ने एनआरसी से। याद रखो आप, आसाम में जो एनआरसी हुआ सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे हुआ, अमित शाह बोल रहे एनआरसी लाएंगे, ला देखेंगे। मगर हमारा मानना इस मुल्क को एनआरसी की जरूरत नहीं है, इस मुल्क को नौकरियों की जरूरत। हर बच्चा अगर यहां पर नौजवान होगा, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हर उस नौजवान के की गुजारिश होगी। मिशन के खिलाफ है आरएसएस के चीफ का बयान कि इस मुल्क में अगर कोई इलीगल होगा, हिंदू होगा, ईसाई होगा, बौद्ध मजहब का होगा, सिख होगा, तो उनको हम शरीयत देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, संविधान में राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है। और लोग आरएसएस के ताल्लुक से कुछ क्या क्या बातें कर जाती है। कंपनी डोनाल्ड ट्रंप को पैसे देती है इलेक्शन में, वो जो ह्यूस्टन में जो तमाम शो हुआ ना, वो शो की इमदाद स्पॉन्सर भी टेलोरियन थी, टेलोरियन, वॉलमार्ट, ओयो। अब हमारे टीवी वाले नहीं दिखाए तो मैं क्या करूं? अब आप बताइए 17,000 करोड़ रुपए ले जाके वहां डाले, आखिर इतना क्यों डर रहे भाई? आज हमको गरीबी हम आ गए, कॉरपोरेट टैक्स कम करे तो गरीबों का फायदा नहीं, दौलतमंदों का फायदा हो गया। मामूली बिस्किट नहीं खरीद सक रहे कोई, पूरे कारोबार चौपट। ये हो रहा, यकीनन हमारे वजीर आजम है अमेरिका में गए, अच्छा दिख रहा, लोगों से मिल रहे अच्छा दिख रहा, मगर दिखने अच्छा दिखने में तो ये नहीं हो सकता ना कि एक नौजवान को नौकरी मिल जाए, एक नौजवान के दस्तरखान पर खाना आ जाए। इसलिए मेरे भाई बीजेपी हर महाज पर नाकाम। अब तो माशाल्लाह कर्नाटका में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऐसी आदमी को बनाए, रंगीला है जी, उन्हें सेलफोन में क्या देख रहे थे उन्होंने, क्या बात है मोदी जी, ये तो नहीं होना चाहिए था। ये तो भारत की तहजीब के खिलाफ है कि जो गंदी चीजें सेलफोन पे देख रहा था वो आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और हमारी दाढ़ी पे आपको तकलीफ। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पहला सियासी जलसा गुलबर्गे ने मजलिस का हुआ है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का साथ दीजिए, जो जला जो डिस्ट्रिक्ट की बॉडी है इंशाल्लाह उनका साथ दीजिए, शहर की बॉडी बनाई जाएगी, इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा,
और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस का साथ देंगे, आप साथ देंगे ना भाई मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का, हाथ उठा के बोलना भी और वोट भी डालना इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह को सलामत रखे, शुक्रिया।